रहमान इब्राहिम, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मंशा ताहिर, विचालंच इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ बिजनेस के बारे में अवेयरनेस देते रहते हैं, मुख्तलिफ टैलेंटेड पर्सनैलिटी से मिलाते हैं और इसके साथ साथ आपको फार्मिंग के बारे में बताते हैं। तो आज हमारा जो बिज़नेस है, आज का ये पोटैटोज का बिज़नेस है, आलू का बिज़नेस है, और हम दिखाएंगे कि आलू जो है ज़मीन से किस तरह निकाला जाता है और इसकी बुआई कैसे होती है, निकाला कैसे जाता है, इसके बाद जो फील्ड में आता है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आलू है इसको सिलेक्ट किया जा रहा है और इसके बाद इसको बोरियों में भरकर इसको जो है इसका डिलीवर किया जाता है। तो ये सारी बातें हम करेंगे कि ये आलू की कितनी किस्में होती हैं और ये कहाँ कहाँ पर भेजे जाते हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर किन मालिक को भेजा जाता है और इसका क्या तरीक़ेकार होता है। तो मेरे साथ जो है जनाब पोटैटोज एक्सपोर्टर मेरे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये आलू जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ भेजा जाता है, इसका क्या तरीक़ेकार होता है, एक एकड़ पर इसका ख़र्चा कितना आता है और इसकी बचत कितनी होती है। मेरे साथ मौजूद है जनाब नईमुल हसन साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नईम साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और हम यहाँ मौजूद हैं, आप मैं देख रहा हूँ। तो ये हमें आलू के बारे में बताएं कि ये सीज़न जो है आलू का है और आप आलू को एक्सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान के अंदर ही बेचते हैं? जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम साहब। इसमें सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आलू की फसल जो है हमारे पाकिस्तान में इस दफ़ा अच्छी रही है ओवरऑल, ठीक है। और बाकी जो आपने सवाल किया इसका एक्सपोर्ट के हवाले से, या बल्कि इसमें आलू मैक्सिमम एक्सपोर्ट भी हो रहा है और साथ साथ हमारी मुल्की जो ज़रूरत है उसको भी पूरा कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट के लिए मुख्तलिफ ममालिक हैं, जैसे अभी हमें मलाइशिया, इंडोनेशिया, कतर, ओमान, दुबई, मुख्तलिफ ममालिक हैं और भी बहुत सारे हैं जिनमें हम आलू एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नईम साहब, इसके आलू के अंदर कितनी किस्में होती हैं और आप कौन कौन सी किस्में यहाँ पर उगा रहे हैं? इसमें किस्में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो है हम उस तरह का, उस लेवल का काम नहीं कर पा रहे, ना हमें उस तरह की सीट प्रोवाइड किए जा रही है, ठीक है। ये अपनी मदद आपके तहत जो भी हो रहा है, आपको पता है कि एग्रीकल्चर पे हमारी गवर्नमेंट की कोई नज़र नहीं है, नज़र नहीं, ठीक है। तो उसमें हम अपनी मदद आपके तहत अभी जो वराइटीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें 8 से 10 वराइटीज़ जो हैं ना, इसमें 5-6 नई वराइटीज़ आई हैं। कौन कौन सी हैं? इसमें है और रोज़ी है, ठीक है। इसमें उसके बाद एक आई है वराइटी वाइट के अंदर, इसको हम मतलब कह लें चिप्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसको स्टर्ना कहा जा रहा है, स्टर्ना के नाम से है। इससे पहले कौन कौन सी वराइटी थी? इससे पहले जो वाइट थी उसमें मोज़ीका और सेंटा, और जो रेड वराइटी में आस्टेक्स जो है वो हमारे एक रेगुलर मतलब कह लें चलने वाला। तो यहाँ पर आपका आप माशाल्लाह यहाँ पे आलू जो है आपका फसल होती है, तो यहाँ पर कितने एकड़ पर आपका आलू जो काश्त कर रहे हैं? इसमें तकरीबन 1150 से 1200 एकड़ टोटल काश्त है, यानी 1250 तो जिसको हम ठीक कर रहे हैं, ये तकरीबन 1200 एकड़। तो एक जो एकड़ है उस पर इसका खर्चा कितना आता है और उसके लिए क्या क्या, कौन कौन सी मशीनरी की ज़रूरत होती है उसको फील्ड को तैयार करने के लिए? इसके लिए सबसे पहले तो हमें ट्रैक्टर की ज़रूरत है फील्ड को तैयार करने के लिए, उसमें हल, ब्राहा, सुहागा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको, जिसके साथ ये मशीन जो है मशीनरी के ज़रिए ज़मीन तैयार की जाती है। उसके बाद हमारे पास जो है इसका सीड अच्छा जो है वो होना चाहिए, जो हमें मिल नहीं रहा, तो जो अभी आए हैं कुछ नए सीड मुतारफ़ हो रहे हैं, बस वो ये है कि अभी ट्रायल पे थे, अभी फसल भी अच्छी है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी है, और पर एकड़ जो इस पे खर्चा आ रहा है इस टाइम वो तकरीबन 2 लाख। अच्छा, 2 लाख एवरेज इसकी अगर निकालें तो 2 लाख खर्चा आ रहा है। इसको आप जो ऑन ग्रास रूट पे सेल कर देते हैं, इसको स्टोर करते हैं? नहीं, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, कुछ लोग जो है वो ग्रास रूट पे भी सेल कर रहे हैं, कुछ लोग मंडियों तक, और कुछ लोग जो है वो स्टोरेज भी कर, मतलब हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है, अगर कोई छोटा जमींदार है वो ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकता तो वो उसको उसी तरह वेरी अर्ली वो कोशिश करता है कि हम उसको सेल करें, और अगर कोई
काफ़ी अच्छा जिम्मेदार है, अच्छे लेवल पे है, तो वो स्टोरेज की तरफ ज़्यादा जाते हैं। कुछ हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टर नजर आते हैं जो परचेज करके उसको जो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, वो सीजन के बाद भी उसको बेचते हैं। बिल्कुल। तो ये एक एकड़ पे कितना खर्चा आता है? 2 लाख आपने बताया। अगर कोई हमारा दोस्त ये काम करना चाहता है तो आप उनको क्या आइडिया देंगे? बड़ी बिजनेस कैसा है और इसके अंदर बचत कितनी हो सकती है? बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही अच्छा। जिम्मेदारा जो है वो वैसे भी आपको पता है कि हमारा जो मुल्क है ये टोटल एग्री पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जिम्मेदारा जो है मैं तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रेफर करता हूँ कि बड़ी अच्छी चीज़ है। हमारे जो नौजवान तबका है जो जॉब्स की तरफ जा रहा है, नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही, मुश्किल का सामना है। मैं चाहता हूँ कि वो बजाय इसके कि वो इस तरफ जाएं, वो जिम्मेदारे को अपना प्रमोट करें, फैशन बनाए, उसके अंदर टूल जो है वो जदीद टूल्स लेकर आए, जदीद, उसमें जिद्दत लाने की ज़रूरत है। आप देखें कि हमारा हमसाया कंट्री इंडिया, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन हमारे मुल्क में उस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नहीं भाई, पर एकड़ 2 लाख लगाकर कितने में कितना बचत हो सकती है उसके? इसमें ये मंसूर साहब, इसमें कोई कंफर्म तो हम नहीं फिगर बता नहीं अगर माशाल्लाह सीजन अच्छा चल रहा है तो अगर सीजन अच्छा है तो ये 2 जो है वो 4 भी हो सकता है, ये 2 6 भी हो सकता है, माशाल्लाह, यानी इतनी इसके अंदर है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप जो है बीज है इसका जो जिसको वो यहाँ से ही लेते हैं या बाहर से मंगवाते हैं? कुछ सीड जो अभी मैंने आपको बताया है कि कुछ बाहर से आ रहे हैं, तो बाकी हमारे पास जो अपने सीड हैं हम अपने खुद भी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अपने सीड्स भी आपके पास हैं। तो अब एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी मंडियों में आपका आलू जाता है? अगर बाहर भेजते हैं तो उनका क्या तरीक़ेकार है और वहाँ पे रिस्पांस कहता है बाहर की ममालिक में हमारे आलू का? उसमें ऐसा है कि हमारा आलू जो है वो पूरी दुनिया में ही पसंद किया जाता है, ठीक है। जायके के लिहाज से ज़मीन हमारी जो है बड़ी ज़रखेज है और उस पर जो भी फसल हम काश्त करते हैं हमें उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा ही मिलता है। सही। तो ओवरऑल जो है वो आलू क्रॉप जितनी भी है हमारी वो बड़ी पसंद की जाती है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, और इसमें आपको मैंने पहले बताया है कि दुबई, कतर, ओमान और मलाइशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे ना अभी ये रनिंग में टाटो जो है ना वो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन सी मंडी है? यहाँ पे हमें कराची, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, ये मंडियाँ जो है। तो अगर मैं आपका नंबर शेयर कर दूँ, वो हमारे दोस्त जो आलू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं या एक्सपोर्ट के लिए कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो आप उनको दे सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल दे सकते हैं। तो आपसे कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं? थ्रू व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल। अच्छा, या थ्रू व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल। आपका पूरा आपका सेटअप कहाँ है? इसमें लोकेशन है कबूला चक मेहंदी का। सही है, मेन फार्म की जगह है। तो आपका जो आपकी सब्जी मंडी वहाँ पे भी सेटअप है? आरी वाला सब्जी मंडी, इंटरनेशनल सब्जी मंडी, शॉप नंबर 151। सही, 151। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो शॉप के नंबर पर आप आ सकते हैं? जी बिल्कुल। तो आप हमारे वो दोस्त, नईम साहब हमारे वो दोस्त काम करना चाहते हैं और जो हमारे स्टूडेंट या हमारे वो बच्चे जो जॉब की तरफ भाग रहे हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? उसमें है, आपको पहले भी बताया कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो अभी यंग जनरेशन है उसका ज़िम्मेदारी की तरफ तो रुझान बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप वो जॉब्स स्टडी हासिल की, MBA, BA जो भी करके तो उसके बाद वो जाते हैं जॉब, लेकिन अगर वो एग्री की तरफ आएँ और इसके अंदर वो एक मतलब पहले जिद्दत लाएँ, नई चीज़ जो है उस पर रिसर्च करें, उसको प्रमोट करें, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए ज़्यादा फायदा है। 1200 एकड़ का आपका ज़िम्मेदारा है तो 1200 एकड़ पर अखराजात भी उस लिहाज से आते हैं। बिल्कुल। तो आप 1200 एकड़ में से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितनी बचत आ सकती है? नहीं, इसमें ऐसा है, मैंने आपको जैसे पहले बताया ये डिपेंड कर रहा होता है मार्केट के ऊपर, अगर तो तो फिर हमारा ये प्रॉफिट के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, डबल भी हो जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमें जो हम एक्सपेंस कर रहे होते हैं उसमें ही गुजारा करना पड़ता है, पैसा फेस करना पड़ता है।
तो दोस्तों ये थे मेरे साथ नईमुल हसन साहब, जो कि हमें पोटैटो की फसल के बारे में बता रहे थे। ये मेन एक्सपोर्टर हैं, अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इनसे मशवरा ले सकते हैं इस फसल के बारे में और एक्सपोर्ट क्वालिटी के बारे में कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो है वो एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। तो ये हमारी शख्सियत थी आज की। तो उम्मीद है कि आज का हमारा ये बिज़नेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुँचते रहें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।